तो फ्रेंड्स चलिए मैं आपको फिर से एक और नए डिज़ाइन का डोरमेट या टेबल मैट आपको बनाना बताऊंगी। उसके लिए हमने 9 नंबर सिलाई ली हुई है और ये 3 कलर लिए हुए हैं। आप कोई भी अपनी पसंद का कलर ले सकती हैं इसमें। तो चलिए हम यहाँ पे हमने 22 फंदे डाल लिए हैं और मैं आपको 22 फंदों में बताऊँगी किस तरह से हमने डोरमेट बनाना है। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं हमारा डोरमेट आपको कैसा लगा। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। बनाने के लिए 22 फंदे लिए हैं, आप अपने हिसाब से इसमें फंदे ले सकते हैं। तो मैं आपको शुरू से ही बताऊंगी किस तरह से हमने बनाना है। सबसे पहले हम यहाँ पे एक सिलाई इसी तरह से बनाएंगे। ये देखिए, सबसे पहले मैं एक सिलाई सीधी और उल्टी बना लेती हूँ। ये देखिए इस तरह से। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे एक सिलाई बना ली है उल्टी और सीधी। इसके बाद हम पहला फंदा उतारेंगे और धागा हमने आगे करना है। और देखिए हम लास्ट के 2 फंदे बगैर बुने छोड़ेंगे। ये देखिए, ये देखिए मैंने 2 फंदे छोड़ दिए हैं बगैर बुने और हम यहीं से वापस हो जाएंगे। पहला फंदा उतार के उल्टी सिलाई को इसी तरह से बनाएंगे। यहाँ पे मैं सीधी सिलाई पे हूँ और फिर से मुझे 2 फंदे छोड़ने हैं। तो यहाँ पे मैं 4 फंदे छोड़ चुकी हूँ, ये देखिए 2-2 करके, और हम यहीं से वापस हो जाएंगे। उल्टी सिलाई को हम इस तरह से उल्टा बनाएंगे। ये देखिए, ये देखिए इस तरह से। और सीधी सिलाई पे फिर से हैं हम, पहला फंदा उतारेंगे और धागा आगे करेंगे और लास्ट के हमने फिर से 2 फंदे छोड़ने हैं। तो यहाँ पे हमने 2-2 करके 6 फंदे छोड़ दिए हैं। ये देखिए, 2-2 करके मैंने यहाँ पे 6 फंदे छोड़ दिए हैं। ये देखिए 2, 4, 6, और हम यहीं से इसमें दूसरा कलर लगाएंगे। ये देखिए, इस तरह से। तो यहीं से मैंने उल्टी तरफ से इसमें दूसरा कलर लगा लिया है। ये देखिए, इसके भी हमने इसी तरह से 2-2 करके 6 फंदे छोड़ने हैं। ये देखिए, 2-2 करके मुझे यहाँ पे भी 6 फंदे छोड़ने हैं। तो मैं ये 6 फंदे भी 2-2 करके छोड़ लेती हूँ, आपको फिर दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे दूसरे कलर के भी 6 फंदे 2-2 करके छोड़ लिए हैं। ये देखिए, और हम यहीं से इसमें, ये देखिए इसमें ये दूसरा कलर लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से, और यहाँ पे भी हमने ये
छह ही फंदे दो दो करके छोड़ने हैं, इसी तरह से जिस तरह से हमने ये ब्लू कलर के छोड़े हैं और स्काई ब्लू के, उसी तरह से उल्टी तरफ से हमने सभी कलर लगाए हैं इसमें। ये देखिए पहला फंदा उतारेंगे और धागा आगे करके और लास्ट के दो फंदे हम यहाँ पे छोड़ेंगे। ये देखिए तो चार फंदे और हम यहीं पे इसी तरह से छह फंदे छोड़ लेते हैं यहाँ पे भी इसी तरह से। ये देखिए उल्टी सिलाई हमने इस तरह से फंदा उतार के इस तरह से बनाते हुए चले जाना है। तो चलिए हम यहाँ पे छह फंदे छोड़ लेते हैं, आपको फिर दिखा। फ्रेंड्स मैंने तीन कलर लगाए हुए हैं, तीनों कलर से मैंने दो दो करके यहाँ पे तीनों कलर से छह छह फंदे छोड़े हुए हैं दो दो करके। ये देखिए अब यहाँ पे हमारे चार फंदे बचे हैं, तो चार फंदों में हम यहाँ से ये देखिए ब्लू कलर को ही लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल आसान तरीके से हम आपको बता रहे हैं। ये देखिए और यहाँ पे हम चार फंदों की एक सिलाई बना लेते हैं इस तरह से। ये देखिए अब ये चार फंदे हमने एक एक करके छोड़ने हैं। ये देखिए इस तरह से सारे फंदे हमने दो दो करके छोड़े हुए हैं, जो चार फंदे हैं हमारे ये हम एक एक करके छोड़ेंगे इनको। ये देखिए तो यहाँ पे हमने एक फंदा छोड़ दिया है और यहीं से हम वापस हो जाएंगे। ये देखिए बहुत ही आसान तरीके से बता रहे हैं और बनने के बाद काफ़ी सुंदर लगेगा। तो दूसरा फंदा हमने छोड़ दिया है और हम यहीं से वापस हो जाएंगे। ये देखिए इसके बाद हम तो हमने तीनों फंदे छोड़ दिए हैं, जिस तरह से छोड़े उसी तरह हम फिर इनको बनाएंगे। ये देखिए तो दो फंदे हम एक फंदा हम बना चुके हैं, अब यहाँ पे हम तीसरा फंदा बना लेते हैं और यहीं से वापस हो जाएंगे। चार फंदे हमने एक एक करके छोड़े हुए हैं। ये देखिए तो यहाँ पे चौथा फंदा हम बना लेते हैं इस तरह से। ये देखिए और यहाँ पे हम जिस तरह से चारों फंदों की एक सिलाई बना लेते हैं। ये देखिए तो ये चारों फंदों की हमने एक सिलाई बना ली है। ये देखिए अब यहीं से हम वापस हो जाएंगे और यहाँ से हमने जो भी फंदे हमारे जिस कलर के आ रहे हैं उसी कलर को हम यहाँ पे लगा देंगे। ये देखिए इस तरह से ये देखिए अब जिस तरह से दो दो फंदे छोड़े हैं उसी तरह हम दो दो फंदे बनाएंगे और वहीं से वापस हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम दो फंदे बना लिए हैं और यहीं से हम वापस हो जाएंगे। जिस तरह से दो दो फंदे छोड़े हुए हैं उसी तरह से हम यहाँ पे बनाते हुए जाएंगे। ये देखिए सेम उसी तरह से जिस तरह से छोड़े हैं उसी तरह से। ये देखिए उल्टी सिलाई को उल्टा ही बनाएंगे इस तरह से। तो देखिए हम यहाँ पे सारे फंदे बना चुके हैं। ये देखिए तो ये सारे फंदे हम बना चुके हैं, यहाँ से हम
इसमें दूसरा कलर लगा देंगे उल्टी तरफ से। ये देखिए, अब जिस तरह से ये फंदे हमने दो दो करके छोड़े उसी तरह हम इनको बना लेते हैं और आपको फिर दिखाते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने जिस तरह से फंदे छोड़े थे उसी तरह से हमने सभी फंदे बना लिए हैं दो दो करके। और देखिए हमारी पत्ती बनके ये कंप्लीट है। इसी तरह की मुझे इसमें 6 पत्तियाँ बनानी है। ये देखिए, अब हमने क्या करना है, उसी तरह से हम फिर से छोड़ेंगे फंदे यहाँ पे। ये देखिए उल्टी सिलाई बना लेते हैं। 6 पत्तियाँ बनके कंप्लीट है। और देखिए हमने ब्लू कलर नहीं लगाया है यहाँ पे, क्योंकि हमने ब्लू कलर से फंदे डाले हुए हैं पहले से ही, तो यहाँ पे हमने पत्ती पे ही बंद कर दिए हैं सारे फंदे। ये देखिए इस तरह से यहाँ से। तो देखिए अब इसको हम सिलाई कर लेते हैं आगे से। हम इस तरह से ये देखिए हर चैन में से निकालते हुए ये सिलाई कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा डोरमेट बनके कंप्लीट है और बहुत आसान तरीके से बनके कंप्लीट हो गया है। ये देखिए, चाहे इसे आप टेबल मैट बोले चाहे थालपोस, किसी भी तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं। और देखिए बीच में हम इस कलर का पॉम्पॉम्स लगा लेते हैं। ये देखिए, तो हमारा ये डोरमेट आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं ये हमारा डोरमेट आपको कैसा लगा। चलिए हम मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।